टुकड़े हैं मेरे दिल के, ए यार तेरे आंसू। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संचिता और आज का हमारा गीत है 1965 की फिल्म मेरे सनम से। लिरिक्स लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, म्यूजिक कंपोज की है ओपी नैयर जी ने और गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए जाने इस गीत के बारे में, इस गीत की नोटेशंस, किस राग पर बेस्ड है, कौन सी ताल बज रही है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए सीखें। ये गीत राग पहाड़ी पर बेस्ड है। जो ताल बज रही है वो है ताल कहरवा। तानपुरा है सी शार्प स्केल पर सा म सा। टुकड़े गगर रे ग सा 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 हे मेरे निसर सनिध दिल के पध ध ध प हे यार प प प ध प तेरे गगरे आसू रे ग सा 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 सा। टुकड़े है मेरे दिल के है यार तेरे आंसू देखे गप मगर रे सा नहीं जाते हैं निसर सनिध प ध ध ध प देखे नहीं जाते हैं दिलदा प प रे तेरे मा पगर सा आसू ग ग म प ग म रे सा दिलदार तेरे आंसू। टुकड़े है मेरे दिल के है यार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं दिलदार तेरे आंसू। इस गीत को आपको ताल कहरवा की सातवीं मात्रा से गाना शुरू करना होगा। देखिए कैसे। धागे ना तिनक टुकड़े हैं मेरे दिल के। आइए तबले पर गा के देखें। धागे ना तिनक दिन धागे ना तिनक टुकड़े है मेरे दिल के स्टैंजा देखें। कतरे नहीं चल के ये कतरे गपसाने नहीं चले निध ध प प म प के ये पसा
एक साथ देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ट्यून। कतरे नहीं चल के ये आँखों के पायलों से मोती है सेकेंड स्टैंजा देखें। धागे ना तिनक अशकों से भरा देखो कैसे तेरी आँखों को धागे ना तिनक राग पहाड़ी का राग परिचय। थाट है बिलावल। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन आजकल राग पहाड़ी का मिश्र पहाड़ी रूप ही सामने आता है, यानी इस राग में बड़े ख्याल नहीं गाए जाते। ज्यादातर ठुमरी, फिल्मी गीत, लाइट म्यूजिक की चीजें गाई जाती हैं। तो पूरे 12 स्वरों में से किसी भी स्वर का अल्प प्रयोग करके इस राग की सुंदरता बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा फिल्म सॉन्ग्स राग पहाड़ी पर ही बने हैं। जाती है औड़व संपूर्ण, औड़व यानी 5। आरोह में 5 स्वर गाए जाएंगे और संपूर्ण यानी अब आप समझ गए 12 स्वरों में से कोई भी स्वर का अल्प प्रयोग हो सकता है इस राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए। वादी है सा और संवादी है प, फिर भी हमने तानपुरा सा म पर मिलाया है क्योंकि कई गुणीजन म को सा मानकर इस राग को गाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इस राग की चलन ज्यादातर मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक तक ही सीमित है, तो फिर म को सा मानकर ज्यादा अच्छे से कंपोजिशन कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से लाइट म्यूजिक की चीजें गाई जा सकती हैं। समय है सर्वकालीन राग। जब 12 स्वर लगेंगे तो फिर कभी भी गाइए, ये राग अच्छा ही लगेगा। राग पहाड़ी से मिलते जुलते राग हैं राग भूपाली, राग देशकार और राग मांड। राग शुद्ध कल्याण में तीव्र म दिखाकर हम उस राग को राग पहाड़ी से अलग दिखाते हैं और
राग भूपाली और राग देशकार को अलग दिखाने के लिए हम अवरोहों में म और नी ये दोनों महत्वपूर्ण स्वरों का प्रयोग बार बार करते हैं, जिससे राग पहाड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। राग पहाड़ी को कश्मीरी डोगरी लोक संगीत से लिया गया है और अब आप जान गए हैं कि इस राग में तानपुरा सा म पर मिलाते हैं। अब आप ये भी जान गए हैं कि इस राग में मंद्र और मध्य सप्तक में ही स्वर विस्तार होता है। मंद्र सप्तक के ध पर विश्रांति लेने से राग में सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। राग मांड में भी राग पहाड़ी की तरह पूरे 12 स्वर गाए जा सकते हैं, जिसे मिश्र मांड कहते हैं। लेकिन राग मांड की चलन वक्र है, देखिए कैसे। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। सा ध नी प ध म प ग रे ग सा। आइए देखें राग पहाड़ी का आरोह अवरोह और पकड़। तानपुरा है बी स्केल पर सा म। सा सा रे ग प ध सा सा नी ध प म ग रे ग सा सा रे ग प म ग रे ग सा सा ध प ध ग प ध सा ग रे सा। आप सभी के इतने सुंदर और एनकरेजिंग कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी जो पहली किताब थी उसका न्यू एडिशन है वॉयज टू हैप्पीनेस। इसे अमेज़ॉन पे ज़रूर चेक करिएगा। हमेशा खुश कैसे रहें, क्योंकि गुनगुनाने के लिए गाने के लिए भी पहले खुश रहना ज़रूरी है। तो इस किताब में दिया गया है कि कैसे आप हमेशा मुस्कुराते हुए रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। इसके बाद मैंने 4 किताबें और लिखी हैं, वो भी अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू, नमस्ते।